हमारी विशेष डिमांड यही है कि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप हमारे व्यापारी पदाधिकारियों पे, हमारे महानगर अध्यक्ष और उपसभापति पे जो लगाए गए आरोप हैं वो निराधार हैं। ना तो ये खंडन कर रहे हैं नगर आयुक्त जी, या तो ये खंडन करें, अपनी बात को वापस लें, अन्यथा हम लोग जो है आंदोलन की तैयारी के लिए ही सब इकट्ठे हुए हैं और उग्र रूप से 28 तारीख के बाद में हम लोग जो है नगर आयुक्त जी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी संदर्भ में आज हम लोग जो है मेयर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए। धन्यवाद। किस चीज़ का आरोप लगाया है? जैसा पत्राचार में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कहते हैं पोर्टेबल शॉप के अंदर जो है इन लोगों ने पैसे वसूले हैं व्यापारियों से, जबकि हम लोगों का कहना यह है कि अगर 1-20 साक्ष उनके पास मौजूद है तो हम सारी के सारे लोग यहीं पर मानने के लिए तैयार हैं, अन्यथा इनको खुले मन से माफ़ी मांगना पड़ेगी। ये आरोप इतने गंभीर हैं जिसकी छवि आज व्यापारी हमारा भाई जो विशाल मल्होत्रा है या माननीय अतुल कपूर भाई है हमारा, ये स्वच्छ इनकी एकदम छवि है। इनके ऊपर इस तरीके के गंभीर गंदे आरोप लगाने का मतलब क्या है? इस प्रकार की हिम्मत किसके इशारे पे की गई है ये भी देखना है कि इसकी तय में है कौन। इसी सब के संदर्भ में हम लोग एक ज्ञापन देने आए माननीय मेयर साहब का, क्योंकि वो हमारे संरक्षक भी है और वो जैसा आप हमको दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से ही हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बातें कर लेते हैं, जिन बातों का कोई मतलब नहीं। भाई साहब पापड़ जी, और मैं ये देख रहा था बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे जरूरी यह है कि आज ऐसे माहौल में कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की अवमानना करने की कोशिश करे तो आप लोगों को एक होना चाहिए, वरना आज भी कोई बन सकता है कर सकते हैं वो तो करेंगे, वो पता भी करेंगे।